जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेजी एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग जो हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, कुल देवी दोष या कुल देवता दोष के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो वो अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। कभी दशा के बारे में अगर हो, मैरिड लाइफ के बारे में हो, संतान पक्ष, फाइनेंस, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो लाइफ में, किसी भी तरीके की दुविधात्मक स्थिति में हो, पर्सनल कंसल्टेशंस ले लेना उचित रहता है, बाद में किसी तरीके की कंसर्न या परेशानी से बचने के लिए। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं, ईमेल के थ्रू आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। पर इतना ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है सरलता से, धैर्यता से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों में या ईमेल के थ्रू, कोर्स के बारे में जानने के लिए, अवधि के बारे में जानने के लिए, फी के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों जो हमारी जन्म पत्रिका होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। कौन सी चीज़ हमको फायदा दे रही है, कौन सी चीज़ हमको नुकसान दे देगी या नुकसान दे सकती है, वो एक देखिए एक मैट्रिक्स सरीखा है बहुत इस ये पत्रिका एक तरीके की। तो कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं हमको, हमारे ग्रह देखने पड़ते हैं, कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे। साथ ही में हमको ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है कि हमारी दशाएं ठीक चल रही हैं, पत्रिका में ग्रह ठीक बैठे हुए हैं, उसके बाद भी जीवन में कुछ कंटिन्यूस ट्रबल चलते रहते हैं, या यूँ कह लीजिए परिवार में, कुल में कुछ इस तरीके की स्थितियाँ बनी रहती हैं जिसको हम नॉर्मल नहीं कह सकते हैं। उसी में से एक देखिए पॉइंट आता है कुल देवी या कुल देवता दोष का। पता होना चाहिए आपको कि आपके कुल देवी कुल देवता कौन हैं, और उसके हिसाब से, क्योंकि अगर इस तरीके का दोष पत्रिका में है तो उसकी फिर जो उपाय या रेमेडीज है उसको करने में आपको आसानी होती है। तो कुल देवी या कुल देवता का दोष होता क्या है, देखिए फिफ्थ हाउस से हम लोग जो है कुल देवी या कुल देवता जानते हैं कि हमारे कौन से हैं, वहां से ये लिनियज चली आती है। अब जो फोर्थ हाउस होता है, पंचम स्थान से बारहवां स्थान, उसको दोष लगने की संभावना होती है, वहां से हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे कैसे, अगर हमारी पत्रिका का फोर्थ हाउस और हमारी पत्रिका का बाधक पति, अब बाधक पति के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जो मूवेबल साइन होते हैं, चर राशियाँ होती हैं, उनके लिए जो बाधक पति होता है वो ग्यारहवां स्थान का स्वामी होता है या ग्यारहवां स्थान होता है। जो स्थिर राशियाँ होती हैं, फिक्स्ड राशियाँ होती हैं, उनके लिए नाइन्थ हाउस का जो स्वामी होता है वो बाधक पति होता है, और नौवा घर जो होता है वो बाधक स्थान होता है, और दी स्वभाव राशियों के लिए सातवां स्थान जो है वो बाधक पति या बाधक स्थान कहलाता है। अब आपको कौन सी चर राशियां हैं, कौन सी स्थिर राशियां हैं और कौन सी दी स्वभाव राशियां हैं, अभी तक आप जान ही गए होंगे। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दे रहा हूँ, इसी तरीके से 12 राशियां होती हैं। पहली राशि जो है वो मूवेबल होती है, चर राशि होती है। सेकंड राशि यानी कि टॉरस स्थिर राशि होती है, फिक्स्ड। और जो थर्ड राशि मिथुन होती है वो आपकी जो है क्या नाम लेते हैं, द्विस्वभाव राशि होती है। तो अब इसी तरीके से आप आगे देख सकते हैं कि जैसे कर्क राशि फिर चर होगी, उसके बाद सिंह राशि फिर स्थिर होगी, और कन्या फिर दी स्वभाव होगी। इसी तरीके से आप 12 राशियों में ये जान सकते हैं कि कौन सी चर है, कौन सी फिक्स्ड राशि है या कौन सी द्वि स्वभाव राशि है, ड्यूल राशि है।
तो देखिए जो ये दोष है कुल देवी या कुल देवता का दोष, ये बनता कैसे है, पत्रिका में आप इसको देखे कैसे। देखिए चौथे स्थान का स्वामी अगर बाधक स्थान के स्वामी के साथ बैठा हुआ है तब ये दोष उत्पन्न होने की फर्स्ट आप मान के चलिए कि प्रोमिनेंट है कि ये दोष आपकी पत्रिका में है। दूसरा, इसमें अगर सूर्य और चंद्रमा इन्वॉल्व हैं इन वाली दोनों कंजंक्शन में, तब आप मान के चलिए कि ये कई पीढ़ियों से आपके कुल में मौजूद है ये दोष। तीसरा पॉइंट, अगर इस वाले जो दोष को राहु या केतु का समर्थन मिल जाता है या साथ मिल जाता है तो वो इस चीज को बहुत एग्जाजरेट या बढ़ा देते हैं, कष्टों को बढ़ा देते हैं, इस दोष की वजह से होने वाली परेशानियों को बढ़ा देते हैं। राहु और केतु साथ में बैठे होंगे तो ये दोष लगेगा ऐसा कतई नहीं है, लेकिन राहु और केतु यहाँ पे साथ में बैठे होंगे तो ये दोष कई मैनिफोल्ड टाइम्स बढ़ जाएगा, इसके द्वारा उत्पन्न हुई परेशानियां बढ़ जाएंगी। अब मैं आपको उदाहरण दे दूं कि मान लीजिए मेष लगन है जो कि चर लगन माना जाता है, अब यहाँ पे जो बाधक पति होगा या बाधक स्थान का स्वामी होगा वो होगा शनि महाराज, अब यहाँ पे जो फोर्थ हाउस का स्वामी है वो है चंद्रदेव। अब अगर पत्रिका में चंद्रदेव और शनि देव की युति है तब आप ये मान के चलिए कि मेष लगन वालों के लिए कुल देवी या कुल देवता का दोष उत्पन्न है उनकी पत्रिका में। अब अगर ये दोष जो है फोर्थ हाउस में बनता है या ग्यारहवें स्थान में बनता है तो ये और प्रोमिनेंट है। अब यहाँ पे चंद्रमा क्योंकि स्वयं इन्वॉल्व है तो दूसरे पॉइंट के जो मैंने बताया था कि अगर सूर्य और चंद्रमा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये कई पीढ़ियों से आपके जो है कुल में ये कुल देवी दोष या कुल देवता का दोष चलता चला जा रहा है। अब ये दोनों कंजंक्शन जो हैं अब अगर कहीं खराब घरों में आपकी पत्रिका में बन रहे हैं, जैसे कि मेष लगन वालों के लिए मान लीजिए अगर ये छठे आठवें या बारहवें में बन रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा उपद्रव है, ये ध्यान रखिएगा। साथ में अगर इनके राहु केतु बढ़ जाते हैं तो कुल देवी के दोष और कुल देवता के दोष की वजह से उत्पन्न हुई परेशानियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको ये भी बता दूँ कि इन दोनों जनों का प्लैनेट्स का साथ में बैठना या मान लीजिए शनि देवता का चौथे स्थान पे आके बैठना और चंद्रमा का भी वहीं पे बैठना या चंद्रमा का बाधक स्थान में जाके बैठ जाना यानी कि ग्यारहवें स्थान में जाके बैठ जाना, शनि का भी वहीं बैठे होना, ये कुल देवी दोष और कुल देवता के दोष को श्योर करता है कि वो आपकी पत्रिका में है। इसी तरीके से अगर आप वृष लगन वालों के लिए देखेंगे तो वृष लगन एक स्थिर लगन है, वहाँ पे नाइन्थ हाउस का स्वामी जो है वो बनेगा बाधक पति, अब फोर्थ हाउस का स्वामी यहाँ पे सूर्य देवता बनते हैं, सिंह राशि पड़ती है टॉरस लगन वालों के लिए चौथे स्थान पे, तो पत्रिका में अगर सूर्य और शनि देवता का कंजंक्शन है तब मान के चलिए आपकी पत्रिका में कुल देवी या कुल देवता का दोष बन के आता है। यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूं कि अगर सूर्य नाइन्थ हाउस में जाके बैठे हुए हैं या शनि फोर्थ हाउस में जाके बैठे हुए हैं वृष लगन वालों के लिए और वहीं पे सूर्य भी बैठे हुए हैं तब ही ये दोष उत्पन्न होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर सूर्य और चंद्रमा इसमें इन्वॉल्व हैं तो काफ़ी समय से काफ़ी जन्मों से ये समझ लीजिए पीढ़ियों से ये दोष आपकी पत्रिका में चलता चला जा रहा है। द्विस्वभाव लगन का हम लोग एक उदाहरण ले लेंगे, मिथुन लगन। अब यहाँ पे जो बाधक पति है या बाधक स्थान है
वो बनता है सातवां हाउस, जो कि बृहस्पति महाराज का है। अब अगर पत्रिका में बृहस्पति और बुध महाराज साथ में बैठे हुए हैं तो कुल देवी दोष उत्पन्न यहां पे होता है, या कुल देवता दोष उत्पन्न यहां पे होता है। अगर सूर्य और चंद्रमा का भी इनके साथ कंजंक्शन है, किसी भी तरीके से वो देख भी रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि ऐसी स्थिति में ये दोष कई जन्मों से आपकी पीढ़ी में या आपके घर में ये दोष मौजूद है। इसकी वजह से देखिए होता क्या है, इसकी वजह से कोई एक चीज नहीं होती है। देखिए कुल देवी दोष या कुल देवता जो दोष है वो अंततः करता क्या है, वो 100 चीजें हैं हमारे द्वारा जो हम कर्म करते हैं और फिर उसका हम लोगों को फल प्राप्त होता है। तो अब उन फलों में जो है कहीं ना कहीं से कमी आ जाएगी। कैसे कमी आएगी, किसी के लिए जीवन में कितनी भी मेहनत करने के बाद धन की उपलब्धता नहीं रहेगी, हमेशा कहीं ना कहीं से धन की प्रॉब्लम बनी ही रहेगी उनके जीवन में। कभी किसी के साथ नौकरी या सर्विस या ऑक्यूपेशन या बिजनेस से संबंधित प्रॉब्लम सदैव रहेगी, कितनी मेहनत करना, कितनी पढ़ाई कर लेनी, लेकिन सर्विस या बिजनेस का सही से ना चल पाना। संतान की ओर से कभी प्रॉब्लम होते रहना, मालूम पड़ा घर में सब कुछ है, हर प्रकार की सुख सुविधा है, आनंद है, धन है, सर्विसेज है सब, लेकिन संतान उत्पन्न होती है तो वो बिगड़ रही है, या संतान उत्पन्न होती है तो वो पुत्रियां जन्म ले रही हैं, ये कोई दोष नहीं है कहा जाए, लेकिन कुल की वृद्धि अंततः आखिर में रुक जाती है, जिसका आगे यूं कह लीजिए कि अब पुत्र नहीं है तो कुल आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे चलेगा। घर हमारा जो मकान है वो हम स्थायी रूप से नहीं बना पाते हैं, कभी हमको जीवन भर किराए के रूप में रहना पड़ता है, या हमको बने बनाए घर हमारे बिक जाते हैं कई कारणों की वजह से आप कह सकते हैं, या जीवन में आप मान के चलिए रोग पीछा नहीं छोड़ते हैं, कभी घर में माताजी को या पिताजी को या स्वयं को किसी को रोग की स्थिति बनी रहती है, यूं कह लीजिए रोगों के ऊपर काफी धन व्यय होता रहता है जीवन में, असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाना। आप जैसे देखेंगे एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि भाई घर में जो है आदमी अपने समय से जा रहा है, 70 साल की उम्र हो गई, 75 ईयर्स की उम्र हो गई, अब समय आया तो वो जा रहा है, लेकिन ऐसे में अकस्मात मालूम पड़ा कभी किसी की घर में मदर की, फादर की, बहन की, भाई की, कभी किसी की भी ऐसे ही मृत्यु हो जाती है, जिसमें बड़ा औचक और भौचक हो जाता है आदमी के 57, 58, 55, 50 साल में माता पिता का निधन हो गया, इस तरीके से बहन भाइयों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो गई, उनकी अल्प समय में मृत्यु हो गई, या आप मान के चलेंगे कि उनकी भी विवाह हुए तो वो सही नहीं बैठे, स्वयं के विवाह हुए तो वो नहीं सही बैठे, तो जो कुल देवी का दोष है या कुल देवता के द्वारा दोष है वो देखिए बहुत सिवियर नहीं कहूंगा कि एकदम से अटैक करता है, क्यों, क्योंकि अंततः वो हमारे माता पिता हैं, हमारे एक लिनिएज के सबसे बड़े आप समझ लीजिए गुरु हैं, माँ हैं, पिता हैं, हम यूं सोच लीजिए हमारा वही सोर्स है, तो वो हमको एकदम से पनिशमेंट देने के भाव में नहीं आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आते हैं। देखिए होता क्यों है, होता इसीलिए है कि घर के अपने संस्कार, अपने मान, अपने रीति रिवाज जो छोड़ देता है, जो कभी दूसरी जगह जाके विवाह कर लेता है, अपने कुल से विपरीत अपने कुल की मान्यताएं छोड़ देता है, अपने जो कुल के देवता हैं, जो देवी हैं, उनका अनादर करता है या उनको नहीं पूछता है, पता ही नहीं है कौन कुल देवी है, कौन कुल देवता है, उनको किस प्रकार से हमको ट्रिब्यूट पेश करनी है, हमको नित्य उनके लिए क्या करना है पता ही नहीं है, कई समय से चला आ रहा है, कौन कुल देवी देवता होते भी हैं यही नहीं पता है, मालूम पड़ा चीजें बिगड़ती चली जाती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ के पत्रिका में बहुत चीजें सुंदर बैठी हुई हैं, उच्च के ग्रह हैं, कई चीजें हैं, लेकिन मालूम पड़ा एकदम से कोई ऐसी जीवन में समय आया कि
सब कुछ उसने जो है गड़बड़ कर दिया और ये नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हमारे घर में होता चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुल देवी दोष और कुल देवता का जो दोष है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। ये अवश्य याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे कुल देवी और कुल देवता के दोष में फोर्थ हाउस और बाधक पति का साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना ये दोष नहीं लगता है। दूसरी बात, अगर सूर्य और चंद्रमा इसमें इन्वॉल्व हैं इस दोष में, तो कई जन्मों से कई पीढ़ियों से ये दोष आपके साथ चला आ रहा है। तीसरी बात, अगर राहु और केतु इनके साथ बैठे हुए हैं या ये दोष छठे आठवें या बारहवें स्थान में बन रहा है, तब ये और ज़्यादा मॉडिफाई हो जाता है और तंग कर सकता है। देखिए पहली एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर बृहस्पति महाराज इस दोष को देख लेते हैं या वो साथ में बैठे हुए हैं, मान लीजिए अब अगर वो दोष के स्वयं कारण हैं तब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जैसे द्विस्वभाव राशि में मिथुन लगन में सातवें स्थान के स्वामी जो है स्वयं बृहस्पति ही बन के आएंगे, स्वयं ये दोष उत्पन्न करेंगे। लेकिन यहां पर भी एक बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर बृहस्पति इन्वॉल्व हैं किसी भी तरीके से इस दोष के साथ, तो आप ये मान के चलिए कि उसका आपको निवारण कर सकते हैं या मिल सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मालूम पड़ा, अगर हम लोग मेष लगन की बात कर रहे थे जैसे उदाहरण में, अब अगर चंद्रमा और शनि ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं, अब यहाँ तो ये बृहस्पति यहाँ साथ में बैठ जाए या बृहस्पति देख ले इन दोनों प्लैनेट्स को, तब आप मान के चलिए कि आप इस दोष को इस जन्म में इस टाइम में आप दूर कर सकते हैं। अगर वृष लगन की बात करें तो जैसे हम लोगों ने बात करी थी, सूर्य और शनि अगर साथ में बैठे हों, उसको अगर बृहस्पति देख लेता है या वो भी साथ में बैठा है, तो इस दोष का निवारण आप पा सकते हैं। तीसरा, हम लोगों ने द्विस्वभाव में देखा था, मिथुन लगन की बात करी थी, वहाँ बृहस्पति स्वयं बाधक स्थान के बाधक पति थे, अब अगर वो साथ में बैठे होंगे अवश्य कुलदेवी दोष उत्पन्न करना अवश्य बताएंगे कि हाँ कुलदेवी या कुल देवता का दोष है, परंतु साथ में ये भी बताएंगे कि उसका उपचार या उसका निवारण किया जा सकता है। अब देखिए पॉइंट क्या है, कई लोगों को कुल देवी के बारे में या कुल देवता के बारे में अपना पता ही नहीं है। पहले तो ये चीज़ पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। दूसरा, अगर आप लोगों को नहीं पता है, मान लीजिए कि कुल देवी या कुल देवता आपके कौन है, तो आप कृपा करके सवेरे आप उठ के नहा धो के स्नान करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, जो आपकी दिनचर्या है सवेरे, आप उसमें एक माला अपनी कुल देवी या कुल देवता की ज़रूर शामिल करिए। आपको नाम नहीं पता है, कौन है ये नहीं पता है, तो आप सिर्फ ओम कुल देवी नमः करके आप जो है एक माला कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा सिर्फ इसी बात से। दूसरा पॉइंट है, आप अपनी कुल देवी या कुल देवता के लिए नित्य जो सवेरे आप भोजन बनाएं, सबसे पहला आप उन्हीं के लिए वो भोजन प्रसाद के रूप में निकाल के रखें जल के साथ, ये भी कई प्रकार के आपके दोषों को और कष्टों का निवारण करता है। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कोई भी करेगा उनको इस दोष से कई प्रकार से रिलीफ प्राप्त होगा, और अपनी कुल देवी के बारे में जानना, अपने कुल देवता के बारे में जानना, वहाँ पे विजिट जाके करना, उनके मंदिर में उनके स्थान में विधिवत रूप से उनकी पूजा करना, अर्चना करना, वो आपके लिए सबसे सुंदर रहेगा। किसी प्रकार का कोई दोष हो गया, किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई, परिवार के किसी भी सदस्य से, पिताजी से, दादाजी से, किसी से, उनके लिए क्षमा मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी मान्यताओं को अवश्य देख लीजिए, देखना कि कौन सी ऐसे व्रत थे, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे कुल में होती थी, अब हमने करने छोड़ दिए हैं, हम समय से उसको बंद करते चले गए हैं, वो देखिए बहुत ज़्यादा विपरीत परिणाम देता है। आजकल के ज़माने में, आजकल के समय में आदमी सोचता,
अब वो चार व्रत थे, अब हमसे होते नहीं, अब हम नहीं करेंगे। मालूम पड़ा वो आपके कुल के लिए वो व्रत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कोई पूजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, कोई तीर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अब आप वहां विजिट ही नहीं करते हैं, वहां जाके अपनी भगवान के प्रति जो है आदर नहीं शो करते हैं कुल देवी की तरफ। देखिए ये वाली चीजें फिर तब कुल में बढ़ती चली जाती हैं और अंततः कुल का एक तरीके से यूं कह दिया जाए कि सफाया हो जाता है धीरे 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 धीरे, न घर बचता है न कुल बचता है और सारी परेशानियों के बावजूद नाम तक आखिरी में खत्म हो जाता है। तो ये दोष यूं कह लीजिए काफी समय तक चल सकता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो लास्ट का यही होता है कि आखिरी में क्या होता है कि नाम लेने वाला कोई नहीं रहता है और अंततः कुल खत्म या समाप्त हो जाता है। देखिए ये आपको वीडियो बना के बताने का सिर्फ मकसद ये है, सिर्फ इम्पोर्टेंस ये है कि देखिए कई प्रकार की प्रॉब्लम्स अगर पत्रिका में हो रही हो तो इस दोष के कारण है, उसका निवारण अवश्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात कि अगर आपकी पत्रिका में ये दोष उत्पन्न हो रहा है तो आपको ये भी समझना चाहिए, ये बता इसलिए भी बता रहा हूँ कि कई कई बार ये नहीं समझ में आता है कि भाई क्या वजह है, क्यों हमारी पत्रिका में दशा पत्रिका में प्लैनेट्स बहुत अच्छे बैठे फिर भी कई प्रकार की हमारे कुल में प्रॉब्लम चलती ही चली जा रही है। बहन बहन की विवाह हो गया, भाई उनका विवाह हो गया, लेकिन कष्ट चलता चला जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो इस चीज के लिए है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो इस वीडियो से संबंधित, अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। जय श्री कृष्ण।